वेलकम इलेक्ट्रिशियंस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ राकेश। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बैटरी के बारे में, जो टर्मिनोलॉजीज हैं यानी कि परिभाषाएं जो हैं, वो मेन मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है इससे पहले स्टडी कर लिया है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सेल और उसका इंट्रोडक्शन। तो ये सेल जो है, इस किसको सेल कहा जाता है, और सेल में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे एनोड है, कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सब चीज़ें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस की हैं कि जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो आपका एनोड कहलाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो आपका कैथोड कहलाता है, और जो सोल्यूशन जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब जो है, जब बैटरी जो जैसे जो इस तरह से पोलरिटी जो होती है इसकी, इस तरह से होती है कुछ, तो बड़ी वाली जो छड़ होती है ये यानी कि इलेक्ट्रिकल ग्राफिक सिंबल है, तो यहाँ पे इसको हम प्लस लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम माइनस। तो ये जो है ये आपका सेल होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर सेल आपस में जुड़कर एक बड़ा सर्किट तैयार कर लेते हैं, तो ये आपका इस तरह से ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो सेल होगा समूह है ये कहलाता है बैटरी। तो सेल और बैटरी की डेफिनेशन आपको यहाँ से ऐसे बतानी है, हम समझते हैं कि जो एक सिंगल होता है यानी कि एक सिंगल जो ईएमएफ प्रदान करता है, जैसे ये तो यहाँ पे ईएमएफ होता है इसका, सिंगल डिवाइस जो है ये सेल कहलाती है, और ग्रुप डिवाइस जो होती है वो आपकी बैटरी कहलाती है। अब इसके मेन मेन टर्म्स हैं वो हम समझेंगे, इससे पहले भी सबसे पहले जो है ईएमएफ और जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे। तो देखिए, ईएमएफ आप जानते हो कि सेल का जो यानी कि स्रोत का जो विद्युत वाहक बल यानी कि स्रोत का जो वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे स्रोत क्या हुआ हमारा, डीसी यानी सेल हुआ या फिर बैटरी, तो ये जो है ये आपके स्रोत होते हैं कि जो भी है। तो यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, तो ये डीसी का स्रोत हो गया, ये डीसी वोल्टेज प्रदान करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये भी क्या होता है कि जैसे ये है लोड, जिस तरफ लगाओगे तो उस तरफ का जो वोल्टेज काउंट होगा, लोड जो वोल्टेज जो खर्च करेगा तो वो आपका हो जाएगा लोड वोल्टेज, और उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होता है ईएमएफ। तो ये हो गया लोड साइड में, और लोड साइड का वोल्टेज तो ये आपका इसी तरह से डीसी होगा क्योंकि सेल या बैटरी से ये ले रहा है अभी, तो इसको भी हम इस तरह से समझेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस और ईडीपीडी में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेल के द्वारा जो पूर्णी जो वोल्टेज जो यानी कि पूरी वोल्टेज जो प्रदान की जाती है ये आपकी ईएमएफ कहलाती है, और सेल के द्वारा जो लोड तक जाती है यानी कि लोड पर क्या वोल्टेज मिल रहा है, लोड पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो आपका कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पूरी वोल्टेज जो सेल प्रदान कर रहा है वो आपका यानी कि सेल से, तो सेल से जो पूरी वोल्टेज मिल रही है वो हमारी कहलाती है ईएमएफ, और लोड पर जो वोल्टेज मिल रही है वो कहलाती है पीडी। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो पीडी को कैसे निकाला जाता है या ईएमएफ को कैसे काउंट किया जाता है, तो कैसे भी मान के चलिए, जैसे सेल मान लीजिए ई दे रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ई यानी कि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ तो ये पूरा नहीं मिलता है तो इसमें से कुछ कमी हो जाती है, तो माइनस इसको माइनस जो है यानी कि ईएमएफ से कमी होती है, तो इसमें क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, बस यही है आपका। तो ये सेल में देखो कैसे होता है,
तो देखो सेल का जो मान के चलिए ईएमएफ का मान मान लीजिए ई, पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिख दीजिए वी। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो यहाँ से ईएमएफ यानी कि ई माइनस वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है कि जैसे सेल होता है तो सेल के अंदर ही कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये यहाँ से जो वोल्टेज जो निकलता है यानी कि दोनों टर्मिनल्स के बीच वगैरह जो ऊपर, तो इसकी जो करंट है सर्किट की वो, और साथ में यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप ये होता है। तो हमारे को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप घटाने के बाद में मिलता है, तो इसको वोल्टेज ड्रॉप इसको कहेंगे इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, या जैसे इसको हम आंतरिक लॉस बोल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, तो ये देखिए ई जो है यहाँ पे आपका ईएमएफ है, वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और आईआर है जो आपका इंटरनल वी ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पे आर क्या चीज़ है, आर है आंतरिक प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध होता है शेल का, आर जो है वो सेल का होता है, तो ये याद रखें इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। खास बात क्या है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में, ये दो टर्म्स नंबर वन, ये टर्म्स नंबर, अब जो है हम इसको थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से जो है ये जो हम मिसा है इसका मान होता है अधिक और इसका मान होता है आपका कम, तो ये आप इम्पोर्टेंस ध्यान में रखें कि ईएमएफ का मान जो होता है वो आपका, ईएमएफ का मान जो है वो ईएमएफ का मान अधिक होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम होता है, जिसका कारण होता है आर यानी कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब चलिए हम देख देते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से सेल के जो अलग-अलग सेल में जो ईएमएफ और पीडीए हैं इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखें कि सेल का जो ईएमएफ जो होता है और एक जो पीडीए होता है, इन दोनों में खास बात यह है कि ईएमएफ होता है अधिक, ये होता है कम, ये होता है आपका स्रोत साइड, ये आपका होता है लोड साइड। और अब जो है इसका मान कैसे निकालते हैं, तो ई बराबर वी माइनस आई आर, सॉरी इसको हम यूँ लिखते हैं कि इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं कि ई एम एफ जो होता है उसमें से हम अगर सेल के इंटरनल लॉसेस अगर निकाल दें तो हमें मिल जाता है वी, यानी कि ये पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस, ये आपका ई एम एफ और ये आपका इंटरनल वी ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तीनों की यूनिट आपकी वोल्टी होती है, कोई खास नहीं है। अब सेल का जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, देखिए यहाँ से जो सेल का जो ईएमएफ है यानी जैसे ई जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो सेल का जो आपका जो ईएमएफ है ये आपका ई जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसको हम देखते हैं कि ये पदार्थ पर यानी कौन सा पदार्थ जो काम में लिया जा रहा है प्लेटों का, और इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आप काम में ले रहे हो उस पे, और बैटरी का टेम्परेचर क्या है उस वक्त, तो इन तीनों पे डिपेंड करता है। और इनका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये देखिए अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ यहाँ से हम देख लेते हैं,
इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर, ये जो होता है ये किस पर निर्भर करता है कि ये आपका सेल चाहे कितना ही बड़ा हो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ये हर एक सेल में पाया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये प्लेट पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो प्लेट यानी कि प्लेट पे कैसे, प्लेट के साइज पर और उनकी जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी, आपसी जो दूरी होती है प्लेटों की उनके बीच में क्या है उस हिसाब से ये, और प्लेट की जो मोटाई चौड़ाई है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। ये आपका पदार्थ पर निर्भर करता था, इलेक्ट्रोलाइट पर, ताप पर, EMF। दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निर्भर करता है प्लेट की साइज पर और उसकी दूरी पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स में, इनमें से पूछा जाता है आपसे। तो जितनी प्लेट छोटी होगी और दूर होगी उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, यानी कि दूरी प्लेटों में उतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और प्लेटों की साइज़ जो है वो ज़्यादा छोटी भी नहीं हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में डिज़ाइन फैक्टर्स कहलाते हैं, तो उस वक्त ये सेट किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब जो शैल जो हैं इनमें ये दो ही फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो आपका EMF और दूसरा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फैक्टर सेल को इफेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बारे में क्या खास बात है आपने यहाँ से देखा। अब हम चलते हैं कि सेल को जो है हम किस प्रकार से सर्किट में लेते हैं। तो सर्किट में जैसे आपको देखिए, सर्किट में जैसे सेल को लेना है तो सेल एक अकेला जैसे सेल होता है उसको भी हम सर्किट में ले सकते हैं, और सेल्स को यानी कि काफ़ी सारे सेल्स को मिलाते हैं तो उनको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी जो होता है यानी सेल्स को लगाना होता है ग्रुपिंग, तो लगाने का जो तरीका होता है वो ग्रुपिंग कहलाता है। तो ये सेलों का जो कनेक्शन है अगर हम देखें तो कनेक्शन इसको कहते हैं, तो कनेक्शन को हम यहाँ बोल देते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग दो प्रकार की होती है, या तो ये एक अकेला सेल को लगाते हैं हम, और जैसे दो या दो से अधिक सेल जो मिल जाते हैं तो वो बैटरी का फॉर्म में काम में लेते हैं और उसको ग्रुपिंग बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेल को जोड़ा क्यों जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने दो यही है कि हम जब हमारे पास में मान के चलिए ये एक तरह से प्रतिरोधों के जो है कनेक्शन की तरह ही होता है ये, तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो क्रम होते हैं हमारे पास, एक श्रेणी क्रम होता है एक समांतर क्रम होता है। देखिए ये चीज़ अलग है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज प्लस वोल्टेज मतलब आपस में जो भी अलग अलग वोल्टेज होते हैं सेल हो गए कुल वोल्टेज बढ़ जाता है। तो वोल्टेज अगर बढ़ाने हो तो इसको श्रेणी क्रम में काम में लेते हैं, और हमारे पास जैसे वोल्टेज एक फिक्स लेना हो यानी वोल्टेज फिक्स, और करंट जब हमें बढ़ानी होती हो तो उस कंडीशन में हम काम में लेते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में धारा इफेक्टिव होती है और श्रेणी क्रम में आपका होता है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम काम में लेते हैं और धारा बढ़ाने के लिए हम समांतर क्रम काम में लेते हैं। तो ये दो ही जो ग्रुपिंग हैं यानी तरीके हैं कनेक्शन हैं सेल हो गए, ये हमें यहाँ से दिखाए गए हैं। अब ये कैसे लगाते हैं इनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, तो थोड़ा यहाँ से हम देख लेते हैं। ये मान के चलिए श्रेणी क्रम लगाना है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज को कैसे लगाते हैं कि जैसे एक सेल होता है इस तरह से, ये आपका प्लस ये माइनस। तो अब जैसे अलग अलग सेलों को लगाना है तो ये आपका ये इस तरह से होता है, तो दूसरा सेल ऐसे तो अलग अलग हैं भी, तीसरा सेल भी ऐसे ही है। तो हम ये देखते हैं कि एक का जो एक टर्मिनल है उस दूसरे का उसको विपरीत टर्मिनल होना चाहिए, और जैसे इसका ये छोटा टर्मिनल है माइनस का तो उसका साम दूसरे सेल का जिसको हम जोड़ रहे हैं उसका बड़ा टर्मिनल होना चाहिए। कहने का मतलब इसको बोला जाता है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, सेलों का जो ग्रुपिंग होता है उसमें पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि पोलैरिटी को बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ध्रुवता। ध्रुवता तो सेल के आपके पास दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक दूसरा प्लस और माइनस। तो सीरीज में सेलों को हम लगाते हैं तो इस तरह से तैयार होता है ये। तो हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पूरा एक साथ लेने के लिए इस तरह से हम लाइनें मान लेते हैं, तीन सेल हैं तो तीन सेलों का एक कॉम्बिनेशन हो गया, और कॉम्बिनेशन फॉर्म में बैटरी को दिखाते हैं इस तरह से, ये आपका प्लस हो गया ये आपका माइनस। तो पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए हम ज़्यादातर सिंबल यूज लेते हैं प्लस इस तरह से, और जो है माइनस को जो है ब्लैक पोलैरिटी से लिया जाता है। तो ये आपका
जो भी है। तो इस तरह से जो है बैटरी का जब सिंबल जब कभी हम दिखाएंगे तो यहाँ से हमें इस तरह से ये सिंबल दिखाना होगा, जिसमें हमें देखते ये पता लग जाता है कि इसमें सेलों की संख्या कितनी है। तो सीरीज में होता है हम क्या बढ़ाना होता है वोल्टेज, तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मान के चलिए दो वोल्टेज का है तो दो दो चार और दो छः, तो ये बैटरी हमारी हो जाती है 6 वोल्ट की इस तरह से। अब दूसरा कनेक्शन जो है वो ग्रुपिंग का है, तो ग्रुपिंग यानी कि समांतर क्रम ग्रुपिंग के लिए, तो दूसरे कनेक्शन के लिए समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में इसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक सेल है इस तरह से, तो इस सेल का ये कुछ जो भी वोल्टेज है यानी कि पोलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, और यहाँ से पोलरिटी देखने के बाद में आप सेलों को एक साथ यूँ रखोगे तो यहाँ से हम देखते हैं इस तरह से अलग अलग सेल्स होते हैं। तो ये आपके मान के चलिए आपके पास 3 सेल हैं, तो 3 सेलों को आपस में हम देखते हैं कि जो सेम जो पोलरिटी होती है यानी कि प्लस ये प्लस और ये प्लस तीनों सेल हो गए, इस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं और जो नेगेटिव साइड होती है उनको आपस में जोड़ देते हैं। और जब इसको जैसे काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में ये आपका एक तरह से एक बड़े सेल की तरह काउंट होता है, बड़े सेल की तरह, तो ये आपका बैटरी जो कहलाता है। तो इसमें इसका वोल्टेज क्या रहेगा, जैसे मान के चलिए 2 वोल्ट है, तो ये आपका 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो ये आपका रहेगा 2 वोल्ट। बट इसमें चेंज क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्किट को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारा बढ़ता है धारा, यानी कि धारा कैसे बढ़ेगी, जैसे सर्किट से जब सेल को काम में लेंगे तो इसकी जो करंट जो भी थी तो वो जो है आपस में इस तरह से करंट होती है, देखिए यहाँ से निकल दवानी, तो ये जो सर्किट की करंट है ये जुड़ के आगे चली जाती है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अलग अलग धाराएँ जब आके एक जगह आके मिलती हैं तो कुल धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो है यानी कि नेट धारा होती है वो आई वो बढ़ जाती है, सर्किट का वोल्टेज जो है वो कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो समांतर क्रम को हम धारा बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपने सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में समझाए। तो इस प्रकार के लगातार हमारे साथ लगातार क्लासेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।